हम लोग थोड़ा सेलिंग करेंगे उसके पहले हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे ठीक है फर्स्ट ट्रेंड जो हमने बोला था कि मार्केट जो मैं हमेशा भी आपको बोलता हूं आगे भी आपको याद रखना है वो कि मार्केट जब भी यू नो प्रीवियस हाइस के ऊपर क्लोजिंग देगा दैट विल बी फर्स्ट ट्रेंड के मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ रहा है या रिवर्सल आ रहा है ओके दोनों तो यहां पे क्या हुआ है मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप दिया है आई मीन अनएक्सपेक्टेडली 350 पॉइंट्स का गैप अप मिला हमको ओके एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जो हम लोग का टारगेट था उधर जाके कैंडल आई मीन दो जी कैंडल बनाई है आज मार्केट ने ठीक है तो अभी तक हमारा ये जो ए वी वैप है ये कौन सा दिन का है ये इलेक्शन डे लो का ए वी वैप है ठीक है तो ये अभी तक टच हुआ नहीं है तो ये मे बी हमारा एक टेम्प्ररी रेजिस्टेंस का, का काम कर सकता है अगर आने वाले दिनों में यहां पे टच होता है तो ओके okay? तो बहुत जन अभी भी पूछ रहे कि क्या मार्केट में बॉटम बन गया है देखो हमको आइडिया नहीं है ये बॉटम है कि नहीं दैट इज रीजन हम लोग ने जब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे हम लोग ने क्या किया था एटी हम लोग इन्वेस्ट किए थे ठीक है हम लोग हम लोग पास ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट बाकी अभी कैपिटल ट्वेंटी परसेंट कैपिटल वी विल इन्वेस्ट इफ ट्वेंटी टू थाउजेंड हमको मिलता है तो अगर नहीं मिला तो हमारे पास एटलीस्ट एटी परसेंट इन्वेस्टेड है तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमको एटलीस्ट प्रॉफिट तो होएगा ओके दैट इज रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ बॉटम किसी को नहीं पता टॉप किसी को नहीं पता ओके ट्रांचिस में इन्वेस्ट करते रहो जब भी टेन परसेंट करेक्शन आता है टॉप से रिसेंट टॉप से कभी भी उसको वेस्ट जाने देना नहीं चाहिए ओके दैट इज एक्जैक्टली वॉट वी डिड एंड मार्केट्स में अभी अगर ये बॉटम है देन वेरी गुड हमको एटलीस्ट एटी परसेंट से हम लोग राइड करेंगे उसको ओके okay, नहीं तो ट्वेंटी टू थाउजेंड जब आएगा मार्केट अभी हम लोग करेंगे बिकॉज देखो हम लोग को लॉन्ग टर्म गेम खेलना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म ही करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं कर रहे हम लोग करेक्ट तो ये है देखो अभी बहुत जन ये भी पूछ रहे कि क्या ये अब रन रिज्यूम होएगा बुल रन रिज्यूम होएगा देखो बुल रन मेरे हिसाब से या बुल मार्केट या मेजर ट्रेंड अभी तक बुलिश हुआ नहीं है ओके okay? मेजर ट्रेंड बुलिश तब होगा मेरे लिए अगर 24,700 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देना चालू करे दैट्स व्हेन मैं थिंक आई विल थिंक कि हां अब मार्केट में ये बॉटम हो गया अब मार्केट यहां से और ऊपर जा सकती है ओके तो जब तक 24,700 के ऊपर हमको क्लोजिंग्स देखने नहीं मिलते मार्केट के तब तक मेरे हिसाब से मार्केट अभी तक बुलिश हुई नहीं है ओके बाकी देख लेंगे हम लोग हम लोग को देखो प्रेडिक्शन कुछ करना नहीं है जैसे जैसे एक एक दिन चार्ट बनेगा उसके हिसाब से हमको अपना व्यू बनाना है ओके okay, एनालिसिस करना है जो हमारे सामने है उस पर ही ट्रेड करना है ना कि जो हो सकता है या जो होएगा ओके okay? तो ये है जो आपको बोलना था डेली टाइम फ्रेम में क्या चलाते हैं वो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी पे हमने देख लिया बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो ये ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी आई थिंक मैंने जब से यू you नो know, रेट कट हुआ तब से बोल रहा हूँ कि एक सेक्टर जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो है फाइनेंस सेक्टर एंड अगर आप देखोगे ये सबसे कम गिरा है एंड सबसे अच्छा रिकवरी और सबसे स्ट्रॉन्ग आज यही था ओके ये भी काफी अच्छा है बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास अभी है तो रहती अब मार्केट में क्या होता है इवन फिन निफ्टी कल इसकी एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी भी देख लेते हैं मंथली एक्सपायरी है इसकी तो फिन निफ्टी भी अगर मैं देखो तो काइंड ऑफ यहाँ पे से यू नो बार बार सेलिंग आई है यहाँ पे जाके काइंड ऑफ एक डोजी kind of कैंडल बनाया है, बट इसका नेक अच्छा रेजिस्टेंस अगर मैं सोचूँ तो यही है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर इज काइंड ऑफ इनडिसीजन दो जी कैंडल बनाइए मतलब कहाँ भी घूम सकती है मार्केट अभी ये हुई इसकी बात अभी सेंसेक्स भी देख लेते हैं सेंसेक्स भी हम अपना जो ये ओपन इज इगल टू हाई कैंडल है एक्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट लिया है एक ओके तो ये भी ही है ठीक है एटलीस्ट अगर मैं देखूँ लास्ट दो दिन के कैंडल्स बेरिश तो नहीं है लास्ट दो दिन के कैंडल्स बुलिश ही है ओके तो अभी देखना है कल अभी हो क्या सकता है मार्केट में ओके उसकी चर्चा कर लेते हैं नाव पहले सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग लेवल्स फॉर टुमारो इफ यू आस्क मी इट्स गोइंग टू बी दिस नाउ ठीक है ये अब हमारा सपोर्टर बिकॉज काइंड ऑफ एक डे डेलोज भी यही है तो इसको हम लोग अपना सपोर्ट मानेंगे विच इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड इसके ऊपर ले लो ट्वेंटी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी फाइव या आज का डे लोज गोइंग टू बी योर सपोर्ट टुमारो एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है तुमार ठीक है एंड इसके नीचे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधा गैप रीजन रहेगा इसको मैं पे मार्क कर देता हूं ठीक है इसको मैंने मार्क कर दिया ना वे फाउड थ्री फिफ्टी इज येटेंटी फोर थाउजें फाइव्रेड इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके ऊपर छोटे छोटे रेजिटेंस ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव एटी वन ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड हमारे अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ओके okay? नाउ थोड़ा जूमआउट करके देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है देखो जूमआउट करके अगर मैं देन मार्केट्स में अभी भी लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था यहां तक ठीक है अब यहां से मार्केट ने एक हायर हायर लो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है ओके यहां से ब्रेक किया मार्केट ने वो स्ट्रक्चर और यहां से ऊपर गई है ना अभी एक हायर हाई तो बन गया है अब यहां से मार्केट मे भी थोड़ा नीचे एंड देन ऊपर की तरफ रैली करे मे भी ठीक है हो सकता है ऐसा बट उसके लिए हम लोग भी प्लान करेंगे करना क्या हम लोग को ठीक है ये वही लेवल्स की बात बैंक निफ्टी का लेवल्स अगर मैं देखू तो बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस यही रहेगा जहां से मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया ओके बाय द वे आज हमारा दिन रेड था ठीक है uh, क्या कौन से ट्रेड्स हमने लिए वो भी पहले एक्चुअली शेयर कर देता हूँ मैं थोड़ा फ्लो आज चेंज हो गया वीडियो का बट यस yes, मैं शेयर कर देता हूँ देखो आज मार्केट्स में साइडवेज था ये हमने फर्स्ट ट्रेड में जब हमारा हिसाट हुआ तभी हमने बोल दिया था कि देखो क्वांटिटीज थोड़ा हाफ कर दो या लोअर दो बिकॉज मार्केट्स में थोड़ा साइडवेज एक्शन हो सकता है मार्केट्स में साइडवेज एक्शन था एंड जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया या प्रीवियस लोस के नीचे ब्रेक डाउन दिया हमने वो एक ब्रेक डाउन का ट्रेड पब्लिक चैनल पे भी शेयर किया था उसका टारगेट वन हिट हुआ बट अगर आप देखोगे मार्केट में नो डाउट ब्रेक डाउन ये सस्टेन नहीं हुआ बिकॉज इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं था इसके नीचे सपोर्ट सीधा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फाइव का ओके तो मार्केट इसके नीचे सपोर्ट नहीं की मार्केट में बायर्स आ गए फिर से मार्केट को साइडवेज क्लोज कराया ओके तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती या प्रॉफिट बुकिंग बहुत आती या यू you नो know, अगर मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू होना रहा था देन ये जो इतनी बड़ी कैंडल है इसके बाद भी सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता था बिकॉज जब भी बड़ी कैंडल बनती है एंड प्रीवियस जोस भी ब्रेक हो गया था मतलब बेयर्स का एंट्री हो गई थी ऑलरेडी यहाँ पे बट वो लोग प्राइस को नीचे लेके नहीं जा पाए विच मीन्स एट बायर्स आ गए फिर से मार्केट में ओके दैट अ रीजन हमारा यहाँ पे एक और एक ट्रेड हमने शेयर किया था उसमें एसेलिट हो गया बट इट वॉज अ रेड डे फॉर एस देखिए एक ट्रेड हमारा सिर्फ टारगेटेड हुआ है, बाकी सब यू नो एसेलिट हुआ है यहाँ पर जो भी ट्रेड्स हमने दिए यहाँ पे मैं शेयर करूंगा बट वन थिंग दैट सेव डांटिटीज़ कम रख के ट्रेड किया हम लोग ने वाई कल के वीडियो जिसने देखा है उनको ऑलरेडी पता है कि क्यों क्वान्टिटीज़ कम रख के ट्रेड करना चाहिए साइड वेज डे ओके तो ये हुई आज के दिन की बात ना लेवल्स निफ्टी में देख ले बैंक निफ्टी के भी लेवल्स अब देख लेते हैं देखो रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा येगाउजेंड टू फिफ्टी इज रेजिस्टेंस सपोर्ट मेरे हिसाब से आज का डे लोज ही सपोर्ट रहेगा यहां से मार्केट ने अच्छा रिवर्सल दिया रेजिस्टेंस उसके ऊपर फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव सिक्सटी नाइन फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पकड़ेगा चलो इज गु बी अ गुड रेजिस्टेंस इसके ऊपर फिफ्टी टू थाउजेंड एट एटी सिक्स हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होएगा ओके एंड अभी को नेक्स्ट लेवल सपोर्ट भी देख ही लेते ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए अगर मार्केट कल नीचे जाती है तो ओके इसके ऊपर अभी नेक्स्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से अभी सीधा गैप रीजन रहेगा इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ओके तो ये भी सपोर्ट की बात फिन निफ्टी देख लेते हैं फिन निफ्टी में अभी कल एक्सपायरी है मंथली तो बहुत जन इसमें भी रहेंगे ठीक है फिन निफ्टी ने अच्छे लेवल्स का रिस्पेक्ट किया आज अगर मैं देखू तो तो इसका भी सपोर्ट अगर मेरे को देखना है देन ये रहेगा हमारा सपोर्ट इसके नीचे सपोर्ट सीधा फिर ये है जो कल हम लोग ड्रॉ करके गए थे इसके नीचे हमारा सपोर्ट अब सीधा गैप रीजन रहेगा या ये जोन रहेगा ओके okay? एंड इसके ऊपर रेजिस्टेंस 24,123 उसके ऊपर 24,328 तो कल ये देखो ये लेवल अब बहुत बार टेस्ट हो चुके थे यहाँ से अगर मैं ऊपर कल मार्केट ट्रेड करती है देन तो आई प्रिफर बीइंग लॉन्ग देन शॉर्ट ओके okay? एक और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हल्की सी वो ये है ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी ओके तो ये भी हमारी रेजिस्टेंस के बाद ना कल करना क्या देखो मैंने आपको समझाया मार्केट में अगर बेयर्स आना रहते तो ये कैंडल के बाद आ जाना चाहिए थे बट आए नहीं मार्केट में फिर से बायर्स आ गए मतलब स्ट्रेंथ है मार्केट में ओके तो टुमारो तो द ट्रेडिंग प्लान शुड बी वेरी सिंपल जब तक मार्केट्स प्रीवियस डे लोज मतलब आज का डे लोज ब्रेक नहीं होता या ये जो लेवल्स मार्क किए मैंने वो ब्रेक नहीं होता तब तक आप लोग शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लोगे ये इसके नीचे ही हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे उसके पहले हम लोग बिल्कुल सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे ओके तो समझो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है देन वेट करो मार्केट का एटलीस्ट यहां आने का या मार्केट का एटलीस्ट यहां जाने का तो भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग ओके अगर मार्केट गैप अप खुलती है देन वेट करो यहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने का ठीक है या तो कंसोलिडेशन होने का या तो मार्केट अगर गैप अप खुलती है देन वेट करो गैप फिल होने का एंड देन यहां पे अगर कंसोलेट करिए देन यहां से हम लोग एक बुलिश ट्रेड लेंगे ओके ईदा बेस अगर मार्केट समझो इसके ऊपर खुलती है ओके ट्वेंटी मतलब आज के डे इसके ऊपर खुलती है देन फिर से मे बी थोड़ा साइडवेज जाने का चांसेस हाई है बिकॉज फिर से यू नो ऑप्शन चला जा सकते हैं मार्केट में वाई देखो एक सिंपल रीजन मैं आपको बोल रहा हूं देखो यहां से मार्केट अब यहां से बहुत ऊपर गई मार्केट आज थ्री फिफ्टी पॉइंट का अप मिला मार्केट में ओके okay, कौन सा साइड का आर एक्सपेंसिव कॉल साइड के प्रीमियम्स आर एक्सपेंसिव राइट तो कॉल साइड के प्रीमियम्स अगर एक्सपेंसिव है देन अगर बड़े लोग यू you नो know, फिर से गैप अप मिल रहा है हम लोग को मार्केट में देन दे विल प्रीफर शॉर्टिंग दैट प्रीमियम्स ओके okay, तो हमको इसलिए आज भी अगर मैं देखूँ तो थ्री फिफ्टी पॉइंट्स गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट साइडवेज गया क्यों क्योंकि मार्केट्स में आप बोल सकते हो कि कॉल सेलर्स प्रेजेंट हो गए इसके कारण से हमको रैली देखने मिली नहीं है कंट्रोल किया गया प्राइस को और सिंस यू नो कॉल के प्रीमियम्स काफी बढ़ गए थे तो खाने के लिए वही सबसे अच्छे प्रीमियम्स दैट इज रीजन हमको थोड़ा मे बी सेल ऑफ देखने मिला या इसके ऊपर ज्यादा ट्रेंडिंग मूव देखने नहीं मिला ओके okay, तो कल भी अगर बहुत बड़ा गैप अप होएगा देन हम लोग अवॉइड करेंगे ट्रेड करना कम क्वांटिटीज में ट्रेड करेंगे बट अगर अगर फ्लैट खुलता है मार्केट एंड यहां पे कंसोलिडेट होता है या ये लेवल ब्रेक करता है देन ओनली जब अपन तो नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे उसके पहले नहीं सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी एंड सेम गोज फॉर हमारा फिन निफ्टी एज वेल फिन निफ्टी सिंस एक्सपायरी है उसकी भी देखो फिन निफ्टी इट्स वेरी सिंपल ट्वेंटी ट्वेंटी के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है देन शॉर्ट्स तो होल्ड बिल्कुल नहीं करना है फिन निफ्टी में फिन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी स्ट्रॉग है फाइनेंस सेक्टर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉग है ट्वेंटी फोर थाउजेंड वन ट्वेंटी के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई शॉर्ट्स होल्ड नहीं करना है मार्केट अगर अगर फ्लैट खुलती है इसके ऊपर ही ट्रेड करती है देन मैं तो लॉन्ग्स ही प्रीफर करूंगा ठीक है शॉर्ट्स मैं तभी प्रीफर करूंगा समझो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन की और ये ब्रेक डाउन दे दिया मतलब इसके नीचे आ आगे फिर से मार्केट देन आई प्रीफर शॉर्टिंग थोड़ा वो भी क्वांटिटीज में कम रखूंगा क्यों मैं वो शॉर्ट करूंगा बिकॉज यहाँ पे फिर वो बुल ट्रैप हो जाएगा मतलब प्रीवियस जैस के ऊपर मार्केट गई रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गई सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गई विच मीस दैट वट विच मींस दैट इट वॉज अ बुल ट्रैप तो मार्केट फिर से नीचे आ सकती है ओके बट क्वान्टिटिटीज कम रखूंगा मैं क्वांटिटीज मैं पुट्स में तब बढ़ाऊंगा जब ये लेवल्स जो मैंने मार्क मार्ग या प्रीवियस डे लोज आज के डे लोज जब ब्रेक होंगे दैट्स वैन आई थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट विद गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज उसके पहले नहीं देखो हमको हमेशा स्टे विद द ट्रेंड करना है ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे में अगर देखो देन बुलिशनेस दिख रहा है कैंडल्स की कैनोसिक्स की अगर मैं बात करू तो डेली कैंडल्स पे ओके okay, तो उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं वैसे भी पोजिशनल तो ट्रेड कर नहीं रहे तो इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में मे भी थोड़ा अगर प्रीवियस या के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट एन और बुलिशनेस रह सकता है मेजरली अगर आप मेरे को पूछे तो अभी भी ट्रेंड यू नो बुलिश हुआ नहीं है बैरिश ही है मेजर ट्रेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड जब तक ब्रीच नहीं रहा तब तक मेरे हिसाब से मेजर ट्रेंड स्टिल बैरिशी तो गुड चांस की मे भी थोड़ा और साइडवाइज एक्शन किया या यहाँ पे गैप फिल करने आए फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गए हो सकता है क्योंकि मार्केट में जब भी देखो कोई भी मूव स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा मार्केट के ऊपर जा रही है नीचे एक लोअर लो सॉरी हायर लो बना के ऊपर जाएगी अगर ट्रेंड चेंज होना है तो ओके तो वो इट इज़ पॉसिबल एनी थिंग कैन हैपन इन द मार्केट ठीक है तो वही है टुडेज डे लोज एंड टुडेज डे हाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट इसके अगर ऊपर रहती है मार्केट देन वी विल बी बुलिश इसके नीचे अगर मार्केट रहती है देन वी विल बी बेरिश ठीक है दैट्स अबाउट फर्द मार्केट वी बट मॉर गैस यू पिकज लाइक दियरियो बिकाज लाइक दिस वोरियो प्लीज दैट लाइक बड शेयर इट विद यर फ्रेंड्स दिस इज मी मनु साइनिंग ऑफ टेक केयर एंड प्लीज ट्रेड रिस्पांसिबली हैव ए नाइस वन बाई